गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल इंडियाज रेसिपी बाई प्रियंका। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को हिट कर दें, जिससे कि आपको मेरी इंस्टेंट रेसिपी अप्रूवल मिल जाए, उसका नोटिस फटाफट आपको मिले। तो आप वीडियो को वॉच करो। तो मैंने आलू पालक पनीर कोफ्ते के लिए लिया है ग्रेट किया हुआ पनीर, चॉप काजू, पालक प्यूरी एंड बेसन, दो उबला हुआ मैश किया हुआ आलू लिया है मैंने। तो इन सब का मैं एक डो बनाऊंगी। तो डो बनाने के लिए मैं एक बाउल लिया है, बाउल में डालूंगी पालक प्यूरी, उसमें ऐड करूंगी पालक, मैं ऐड करूंगी पनीर, अब उसमें ऐड करूंगी मैं उबला हुआ मैश किया हुआ आलू, ऐड करूंगी बेसन पाउडर, और अब ऐड करूंगी मैं इसमें काजू बारीक कटा हुआ, जो कि 8 से 10 काजू मैंने बारीक काट लिए थे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है इसमें, और थोड़ा सा हींग भी डाला है मैंने। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किचन की मसाला। अब मैं इन सबको अच्छे से मैश करके एक डो बना लूँगी। कोफ्ते का डो बनाना है तो अच्छे से मैश करूँगी, मिक्स करूँगी, ताकि कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बने। तो ये मेरा डो रेडी हो चुका है। तो अब इस डो से मैं बनाऊँगी कोफ्ते, और कोफ्ते की कोटिंग करूँगी कॉर्नफ्लावर से। तो मैंने एक प्लेट में कॉर्नफ्लावर निकाल लिया है, और छोटा छोटा बॉल लेके, छोटा छोटा पार्ट लेके डो का मैं इसका बॉल बनाऊँगी और इस पर कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करूँगी। इसी तरह से फ्रेंड मैं सारे अपने बॉल रेडी करूँगी, और रेडी करने के बाद मैं इनको करूँगी डीप फ्राई। तो आप देख रहे हो ये मैंने कोटिंग कर दिया अपने कोफ्ते को, इस तरह सारे कोफ्ते को कोटिंग करके बना लेना है। तो मैंने लिया है कढ़ाई, मेरी बॉल रेडी हो चुकी है, और मैंने लिया है कढ़ाई में तेल, मैं इसमें डाला है कोफ्ता, मेरा तेल हो चुका है, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है प्रेशर। तो मैं इसमें एक एक करके सावधानी से सारे कोफ्ते ऐड कर दूँगी, और अभी मेरा हाई फ्लेम है, जब मेरे ऊपर की कोटिंग थोड़ी पिंक हो जाएगी तो मैं इसको थोड़ा सा लो कर दूंगी, मतलब मीडियम कर दूंगी फ्लेम को, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड मैंने सारे कोफ्ते ऐड कर लिए हैं और वही गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैं इनको बाहर निकाल लूंगी। और अब करूंगी मैं ग्रेवी की तैयारी। ग्रेवी की तैयारी के लिए मैंने ये देखिए फ्रेंड मेरा कोफ्ता कितना सॉफ्ट बना है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो मैंने ग्रेवी के लिए लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल, उसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच जीरा, कुछ सूखे मसालों में मैं डालूँगी बे लीव्स, क्लोव एंड सिनेमन, 1 लिया है मैंने। इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी, तो मैंने ऐड की कसूरी मेथी 2 पिंच, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉफ्ट दाना आधा चम्मच के लगभग, इसको अच्छे से भूनूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, और इसको पिंक होने तक मैं भूनूंगी। मेरा प्याज पिंक हो चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, इनको भून लूँगी। अब इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर किया, अब इसमें ऐड करूँगी टमाटर प्यूरी, जिसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 कली लहसुन को साथ में पीस लिया है। तो मैं इसको 5 मिनट पकाऊँगी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं काजू का पेस्ट, तो मैंने इसको भिगो के पीस लिया था फ्रेंड। तो ये काजू का पेस्ट रेडी करके मैंने डाला हुआ है, और अच्छे से मिक्स करूँगी इसको, जब तक कि मसाला काजू मसाले में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, और मैं इसको 5 मिनट के लिए ओपन पकाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी करी बहुत थिक हो रही है तो आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसमें ऐड किया है नमक और अच्छे से मिक्स किया है, इसको कवर करके थोड़ी देर पकाऊंगी। अब इसको ओपन करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कोफ्ते, तो मैंने ऐड कर दिए हैं कोफ्ते, और ये कोफ्ते को मैं फिर से कवर करके 5 मिनट पकाऊंगी। ये मैंने कर दिया है कवर, और 5 मिनट के बाद मैं इसको ओपन करके इसमें डालूंगी आधा चम्मच गरम मसाला और कसूरी मेथी, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो फ्रेंड रेडी हो चुका है मेरा पालक पनीर कोफ्ता, आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो रोटी के साथ, राइस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो रेडी हो गया है मेरा पालक पनीर कोफ्ता। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, और मेरे सारे व्यूअर्स को थैंक यू सो मच, एंड मेरे सारे सब्सक्राइबर को